सितारगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना की तैयारियों को लेकर एक मॉक ड्रिल की गई है। वहीं मॉक ड्रिल के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष कमल जिंदल, विधायक प्रतिनिधि उमाशंकर दुबे, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक अभिलाषा पांडे, तहसीलदार चकमोहन त्रिपाठी मौजूद रहे। वहीं कोरोना को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की तैयारी और व्यवस्थाओं को लेकर बताया गया कि वहीं प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अभिलाषा पांडे ने बताया कि पूरे देश में कोरोना के मरीज सामने आने लगे हैं। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। साथ ही बताया कि कोरोना को लेकर ऑक्सीजन, कोविड बोर्ड दवाइयों की व्यवस्था कर ली गई है। साथ ही बताया गया है कि सितारगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की टीम कोविड को लेकर सतर्क है। सितारगंज से जफर अंसारी की रिपोर्ट। हमारे स्वास्थ्य विभाग द्वारा आज 27 तारीख को एक कोविड मॉकड्रिल का आयोजन किया गया है, जिसमें अगर इनकेस वन पर जैसे अभी देश में थोड़े थोड़े केस कोरोना के आने लगे हैं, अगर बर्डन काफ़ी बढ़ जाता है, जैसे लास्ट दो बार में कोविड का बर्डन काफ़ी बड़ा है, तो हमारे लिए एक थोड़ा चैलेंज भी है, जिसको हम बहुत अच्छी तरह पूरा भी करेंगे, क्योंकि हमारी तरफ से सारी तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं कोविड के लिए। हमारे पास प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई हर बेड पर मौजूद है, प्लस सारी मेडिसिन भी हमारे पास अवेलेबल हैं। बचने के लिए पहले से बूस्टर डोज का आयोजन किया जा चुका है, जो अभी भी सुचारू रूप से चल रहा है, और सारे मेडिसिंस वगैरह हमारे पास पहले से ही सारी अवेलेबल हो चुकी है। अभी तक तो सितारगंज में कोई कोविड का केस नहीं आया है, नॉर्मल जनरल फ्लू के केस आ रहे हैं। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने, चूंकि पूरे देश के अंदर कोरोना के आने की आशंका है, इसकी लहर आने की आशंका है, तो इसके लिए पूरे देश में व्यापक स्तर पर एक मॉक ड्रिल किया गया है, जिससे कि हमारे जो स्वास्थ्य सेवा से जुड़े जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो सजग रहें और लोग भी जागरूक रहें। इसी में आज सितारगंज अस्पताल में मॉक ड्रिल थी, जिसमें मेरे साथ माननीय विधायक प्रतिनिधि आदरणीय दुबे जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष सरूजा जी, महामंत्री चौहान जी और सामाजिक कार्यकर्ता जितने भी हैं, मनीष जी, सब लोग आए इसको देखने के लिए। और बहुत अच्छी व्यवस्था, जैसा लग रहा है कि पूरे हमारे अस्पताल के कर्मचारी डॉक्टर पूरे मुस्तैद हैं, और कोरोना का हम सब मिलके, सरकार और जनता मिलके डटकर इसका मुकाबला करेंगे, फिर से इसे मार के भगाएंगे।